सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे मैं अटल हूँ के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में उनके रोल को पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। वहीं फिल्म को रवि जाधव ने डायरेक्ट किया। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है, तो ओवरसीज में लगभग 100 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 600 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों वहीं बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 1,15,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन में थोड़ा सा ग्रोथ किया और लगभग 1,70,00,000 का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के दो दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 2,85,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 3,70,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 50,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के दो दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4,20,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो आज भी इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने तीसरे दिन में इंडिया में लगभग 2 से 2.5 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 23 करोड़ है और फिल्म जैसे कलेक्शन करती दिख रही उसे देखकर इस फिल्म का हिट हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। यहाँ तक कि इस फिल्म का एवरेज होना भी मुश्किल है। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.6 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।